ना हो क्यों ऊंचा इस्लाम दुनिया भर के दिनों में न हो क्यों ऊंचा इस्लाम दुनिया भर के दिनों में वहाँ मजहब किताबों में यहाँ क़ुरान सीनों में माशा ये थे कुरान हाफिज़ मोहम्मद तारिक लोधी साहिब जो कि नहायत अंदाज में तिलावत कलाम पाक रिशात फरमा रहे थे दुआ फरमाएँ अल्ला पाकिन केल्म और, और आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएँ अब मैं बिला तर दावत खिताब देता हूँ हजरत मौलाना अब्दुल्ला वहीद मदनी साहिब को फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी के वो आएँ और अपना माफी ज़मीर बयान करें हजरत मौलाना हाफिज़ अब्दुल्ला वहीद मदनी साहिब अलग वरहुल्ल व الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفكه قولي اللهم رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا هر كسم كيهم دوسنا كبريائي अल्लाह मालिकुल्लामजुलजलाली Al वली कराम की ज़ात के लिए है और दुरुदो सलाम इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ात गिरामी के लिए है काबिल सद एहतराम अज़ीज़ों दोस्तों जैसा कि मुझसे पहले जमात के अदीम खतीब अदरत मौलाना कारी बशीर अहमद खाकी साहब हफिद हाँ जो प्यारे पैगम्बर सल्ह वसलम की सीरत प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसोल्ला वसम की आज़मत शान अपने मखसूस अंदाज में बयान कर रहे थे तो मेरे बाद फादर नौजवान नौजवान हजरत मौलाना कुरान मोहम्मद हुसैन साहब शेखोपुरी रहमतुल्ल उनके पोते कारी नईमान शेखोपुरी साहब हफीज़ा उनका भी ख़िताब आप लोग फरमाएंगे तो मुझसे पहले भी एक बहुत बड़े ख़तीब थे मुझसे बाद भी एक बहुत बड़े ख़तीब हैं मैं तो सिर्फ़ एक तालब इम की हैसियत से चंद बातें आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूं। जलसे के वान के मुतालिक आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनवान पर यह अदीम महफ़ल का इनकाद किया गया तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो अपनी नींद को कुर्बान करके अपने काम काज को कुर्बान करके कीमती वक्त में से कुछ वक़्त निकाल के आए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वक्त के बदले ज़रूर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाएगा क्योंकि प्यारे पैगम्बर सल्ह वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक एक फरिश्तों की जमात जमीन का चक्कर लगाती है देखती है और जहां पर उनको एक अदीम महफल के बारे में इलम होता है अदीम महफल मिलती है तो वो बाकी फरिश्तों को भी आवाज लगा के कहते हैं कि सारे इस जगह पे इकट्ठे हो जाओ जिस जगह की हमें तलाश थी उसको हम पा चुके हैं सारे इस बरकत महफल में इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर अल्लाह आलमीन की रहमतें उस महफल पर नाजिल होना शुरू हो जाती हैं जहां अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूल सल्ला सल वसल्लम का फरमान सुनाया जाए पढ़ा जाए तो इस बात का अल्हम्दुलिल्लाह हम सब को यकीन है कि लाज़िमन हमारे दौरान फरिश्ते भी बैठे होंगे और अल्लाह रबालमीन की रहमतों का नजूल भी होता होगा तो अल्लाह से मज़ीद दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी रहमत के मोहताज हैं बाकी तूने हर किस्म की नेमत के साथ हमें नवादा है तो अल्लाह हम पर मजीद अपनी रहमतों को नाजिल फरमा तो इस मुख्तसर वक्त में मैं जिस मौदों पर आपके सामने गुफ्तु करना चाहता हूं वो सिर्फ एक आयत सरान की एक सौ चौसठ नंबर आयत अल्लाह रबीन ऐलान फरमाते हैं اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفين अल्लाह रबालमीन की सिर्फ़ इस आयत के मुतिक चंद गुजारशात आपके सामने रखूँगा इस आयत में अल्लाह रब्लम ने मोमिन को मुखातब करके फरमाया है कि लामिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनिन पर अपना एहसान किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को भेजा प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया में आए आपके आने से पहले दुनिया की क्या कैफियत थी जब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम मبعوث हुए अरब की क्या हालत थी अरब में लोग बुतों की पूजा किया करते थे कोई मनात को पूजता था कोई लात को पूजता था कोई अपना रब हुबल को मानता था कोई मनात की पूजा किया करता था चोरी आम थी डाका आम था जिना आम था मुआशरा तबाह बर्बादी की तरफ जा रहा था तो उस कैफियत में आज भी ज़रा मुआशरे में देखें कि जब इंसान की मुहाशी हालत भी तबाही की तरफ जा रही हो मुशरा भी तबाही की तरफ जा रहा हो तो अगर इन हालात में हमारी रहबरी करने वाला हमारी रहनुमाई करने वाला अगर कोई आ जाए तो हम अल्लाह आलमीन का बड़ा एहसान समझेंगे हमारे घर में अगर कोई हमारी इसलाह करने वाला आता है हमारी असलाह करता है मुआरे की असलाह करता है तो हम लोगों को भी बतलाते फिरते हैं कि फलां बच्चे के आने से फलां बंदे के आने से हमारे घर का माहौल तब्दील हो चुका है हम गुमराही की तरफ जा रहे थे ये अल्लाह रब्बुल रबालमीन का हम पर बहुत बड़ा एहसान हुआ है तो प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर एहसान किया है कि प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हम पे नादल किया है मुआशरे की बेहतरी के लिए मुआशरे को सुधारने के लिए मुआशरे को सीधा लोगों को सीधा रास्ता दिखलाने के लिए जो बुतों की पूजा किया करते थे जो शर्क की दलदल में फंसे हुए थे जो ना अपने से वाकिफ था ना बेगाने से वाकिफ था जिनको इलम नहीं था हमने इज्जत किसकी करनी है तोकीर किसकी करनी है हमने अपने रब को कैसे पहचानना है जब उनको इस बारे में इलम नहीं था

जिसकी हालत खराब थी उस इलाके में भेजा और अल्लाह आलमीन ने दूसरा एहसान हम पे ये किया कि रसूल हिम हमारी अपनी जानों से रसूल भेजा यानी अरब के रहने वालों में से अरब की जुबान जानने वाला अरबी पहचानने वाला अरबी को तो अच्छे तरीके से जानने वाला और अरबी समझाने वाला प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी जानों में से जो मुआरे की तबाही की तरफ जा रहे थे उनकी जानों में से मबूस फरमाया ताकि अच्छी तरह इनको देखें इनका चेकअप करें जितनी देर तक डॉक्टर असल मरज़ को पहचान नहीं लेता कभी वो दवाई दे सकता नहीं दे सकता वो जितनी भी दवाइयाँ टेस्ट करता रहे जो मर्जी करता रहे जब तक वो तशीस नहीं करेगा उतनी देर तक वो दवाई दे सकता नहीं दे सकता तो प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद चालीस साल का अरसा गुजारते हैं मुशरकीन मक्का में रहते हैं अपनी उम्र गुजार के देखते हैं तलाश करते हैं कि इन लोगों में क्या क्या खराबियां पाई जाती हैं इन लोगों में मुआशी खराबी कौन सी है खराबी कौन सी है उन सारी खराबियों को नाजल करते हैं उसकी तशीस करते हैं तश्खीस करने के बाद फिर उन तमाम खराबियों की हल की तरफ निकलते हैं क्या इन तमाम खराबियों को हमने हल करना है इन तमाम खराबियों की तरफ देखना है इनकी तशखीस करनी है तशखीस करने के बाद फिर उन तमाम खराबियों को हल की तरफ लेके जाना है उनको दवाए शिफा अता करनी है ऐसी दवा देनी है जो लेने के साथ उनको अल्लाह आलमीन ला शिफा अता फरमाए वो रूहानी बीमारी हो वो जस्मानी बीमारी हो वो अपने इस वजूद को गैरों के सामने झुकाने वाले हों जिनकी तरफ झुकाना किसी के लिए भी जायद नहीं अल्लाह आलमीन ने इस वजूद को बनाया इसको पैदा किया किस लिए आलमीन ने इंसान को पैदा किया जिन्नों को पैदा किया ये वजूद बनाया किस लिए बनाया सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया दुनिया कमाने के लिए बनाया लोगों के पीछे भागने के लिए बनाया दुनिया की आसाइश हासिल करने के लिए बनाया बुतों को पूजने के लिए बनाया शिरक करने के लिए बनाया अपनी ख्वाहिशात को पूजने के लिए बनाया नहीं सिर्फ और सिर्फ एक मकसद ये

अरबी को पहचानने वाले अरबी की खबर रखने वाले जो भी अल्लाह रब्बुल रब्लमीन की तरफ से पेगाम नादल होता उसको समझने वाले अल्लाह रब्बुल रबालमीन ने इसलिए आपको अरब में भेजा उनकी हालत को देख कर उनकी कैफियत को देख कर ये अल्लाह रब्बुल रबालमीन का बहुत बड़ा एहसान है ऐसी जुबान में नबी को भेजना अगर नबी आता किसी और दुबान में मैं आपको एक मिसाल दे करके समझाता हूं आप सारे उर्दू जानने वाले हैं पंजाबी जानने वाले हैं अगर आपके पास कोई इंग्लिश में पेगाम लेके आता है आपको समझ आएगी एक फरिश्ता है फरिश्ता हमें नजर आता नहीं आता किसी ने को फरिश्ता देखा हो नहीं देखा प्यारे पैगंबर वसल्लम ने फरिश्तों को देखा सईदना जबरील अली सलासलम को देखा देखा हमने किसी को देखा नहीं अगर कोई फरिश्ता आए आपको पुकारे आवाज दे आप उसकी बात को सुनेंगे या डर के भाग जाएंगे भागेंगे कि नहीं भागेंगे क्यों हम उसकी नफसियात से वाकिफ नहीं हमने कभी उनको देखा नहीं उनकी कैफियत क्या है सूरत क्या है अगर इंसान हमें कोई बात आके हमारी ज़ुबान में कहता है जो बात हमें समझ आने वाली हो जो बात दिल को लगने वाली हो अच्छी लगने वाली हो अगर उस जुबान में आके कोई समझाने की कोशिश करता है तो हमें बात की समझ आएगी कि नहीं आएगी आएगी ना तो फिर इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तो इंसानों में से भेजा और दूसरा उनके रहने वाले वहाँ के इलाके वाले जो अरबी जुबान बोलने वाले थे प्यारे पैगम्बर वसल्लम को भी अरबी बना के भेजा उनमें से रसूल को नादल फरमाया आइए आगे चलते हैं आगे फिर अल्लाह ने क्या बयान किया लकद मन तीसरा एहसान क्या किया कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम क्या करते हैं क्या अमल करते हैं यथलू अलम आयाती ही उन पर अल्लाह रब्बुल रबालमीन की निशानियों को तिलावत करते हैं आयात को तिलावत करते हैं वमिन आयाती ही लईल व नहार व शम्स वल कमर अल्लाह रबालमीन की कितनी कितनी बड़ी निशानियाँ हैं आयाती ही लईल रात अल्लाह आलमीन की कितनी बड़ी निशानी है इतनी बड़ी लाइटें होने के बावजूद जदीद टेक्नोलॉजी आ जाने के बावजूद फिर भी हम रात के सारे अंधेरे को खत्म कर सकते नहीं कर सकते इसी तरह दिन है कितनी बड़ी निशानी है जब सूरज निकल आता है सूरज तुलू हो जाता है दुनिया की सारी लाइटें दुनिया की सारी रोशनियां ये मदम पड़ जाती हैं ये प्यारे पैगम्बर सल्लासम इनको सिखलाने के लिए आए बतलाने के लिए आए कि लोगो दिन को लेके आने वाले भी वो अल्लाह रबालमीन की दात है रात को लाने वाली भी वो अल्लाह रब्लम की दात है इन नर्व अल्लाह रब्लम ने ज़मीन व आसमान की पैदाइश में ज़मीन व आसमान के बनाने में अल्लाह रब्लामीन ने निशानियाँ रखी हैं किसके लिए अकल अकल वालों के लिए रखी हैं हैं जो लोग है, जिन लोगों के पास समझ मौजूद है वो जानते हैं पहचानते हैं इसके बारे में गौर वफिक करते हैं अल्लाह रब्बुल रबालमीन की बातों को अल्लाह रब्बुल रबालमीन की निशानियों को जब वो गौरव फिक्र करते हैं फिर कहते हैं रब्बना मा खलक्त हादा बातिला अल्लाह तूने जो भी पैदा किया है इसमें से एक जर्रा भी बातिल नहीं है जो भी तूने पैदा किया आसमान को पैदा किया जमीन को पैदा किया सूरज को पैदा किया चांद को पैदा किया जितनी भी मखलूकें पैदा की वो सारी की सारी मखलूकें अल्लाह तू ने अपनी हिकमत के साथ पैदा की वो सारी की सारी मखलूकों को तू ने बनाया उनमें से एक छोटे से छोटा जो जर्रा भी है अल्लाह तू ने उसको भी फजूल पैदा नहीं किया तो ये सारे का सारा किस लिए पैदा किया ये अल्लाह रब्बुल रबालमी ने सब कुछ इंसान के लिए पैदा किया वो खाला कि वो दात है कि जिसने ये सब कुछ बनाया ये निशानियां बनाई ये उसने सूरज बनाया चांद बनाया ये जमीन को फाड़ा जमीन को फाड़ कर उसने फसलें उगाई आसमान से उसने बारिश को नादल किया तो उस बारिश के पानी के साथ फिर उसने फसलें उगाई मतूरा पाक पानी अच्छा पानी सुथरा पानी उसको नादल करने के बाद जमीन पर पड़ा जमीन पर पानी पड़ने के साथ ही चंद दिन गुजरे उसमें से फल निकले उसमें से फूल निकले उसमें से खेतियां निकली इंसान ने वो सारी खेतिया काटी काट कर अपने घर ले आया जो असल मकसद था वलकुल जिन्नवल उस मकसद को भूल गया दुनिया इकट्ठी करने की तरफ चल पड़ा आया थी वो रसूल क्या करता है आप पर कुरान की निशानियों को अल्लाह रबालमीन की निशानियों को बयान करते हैं अल्लाह रब्लम की निशानियों को बतलाते हैं कि अल्लाह रबालमीन ने कौन कौन सी निशानियां तुम्हारे लिए बनाई नई काली का हादल कुरआन अल्लाह रब्लम ने बहुत अच्छे अच्छे किस्से भी कुरान में जिक्र किए पिछली जितनी भी कौमें गुजरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन कौमों का भी तजकरा किया कि किस तरह मैंने कौमों पर अदाब लेके आया किस तरह मैंने कौमों को तबाह और बर्बाद किया किस तरह कौमें गरग की गई और जिन पर इनाम हुए अल्लाह रब्लमीन ने उनको भी नजर ना उनके बारे में भी बतलाया उनके बारे में भी खुशखबरियाँ दी कि ये लोग अच्छे थे अल्लाह रबालमीन के ताबेदार थे अल्लाह रब्लमीन के फर्मा बरदार थे अल्लाह रब्लमीन ने इन पर अपनी रहमतों का नज़ूल किया अल्लाह रब्लमीन ने इनको अपनी बरक़ात के साथ नवादा उनमें अम्बिया भी मौजूद हैं आम लोग भी मौजूद हैं वो सारी आयात सारी निशानियाँ हमारे ऊपर कौन पड़ते हैं प्यारे पेगम्बर जनाब मोहम्मद रसुल्लासलम आयाति ही अल्लाह रबीन की आयात को बयान करते हैं निशानियों को बयान करते हैं समझ आ रही है बात की कि नहीं ये भी दस दौ ए न्ठिए सारा कुछ झाड़ के स्वाद बड़ा आया पर ये नहीं पता लगा आखिया की सी क्योंकि आजकल ना हमारा जो सिलसिला है जो सिस्टम हमारे यहाँ चला हुआ है बात तो शायद किसी को कड़वी लगे किसी को अच्छी लगे लेकिन कर देना चाहता हूँ अलैहि वालैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम था तो अल्लाह आलमीन ने अपना ख़ास फजल किया है जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं तो हमारे यहाँ रिवाज क्या है ये फलां तंजीम का फलां जमात का प्रोग्राम है नाम को नहीं देखना कौन सा है फलां जमात का है फ़लाँ तंजीम का है इसके साथ हमारा फलां बिगाड़ है ये बिगाड़ है हम इनके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे अल्लाह के बंदो उन्होंने क्या आपको ही रंजा सुनाना है या उन्होंने अपनी तरफ से बना बना के कहानियाँ सुनानी है इस तरह का तो कोई मामला नहीं है हम सिर्फ या अल्लाह का कुरान सुनाते हैं या प्यारे पैगम्बर सल्ला वसलम का फरमान सुनाते हैं तीसरी बात हमारे पास कोई भी नहीं है जो हम आप लोगों को सुनाए तो हर किस्म के ये तफरकाबादी हर किस्म की ये बातें ये तंजीमें ये मामलात मैं समझता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है अगर हम इकट्ठा होना चाहते हैं हमारे लिए अल्लाह का कुरान है रसूल का फरमान है अगर हम इस पर इकट्ठा हो जाए आल में कुर सारा मिलके भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता आज हम जलील रसवा क्यों है किस वजह से जलील है उसकी सिर्फ एक ही वजह है हमने अल्लाह को भी छोड़ दिया है प्यारे पैगंबर वसल्लम को भी छोड़ दिया है हम ये नहीं देखते कि जो बातें हो रही हैं वो किसकी हो रही हैं हम ये देखते हैं ये करने वाला कौन है इसका किस तंजीम के साथ ताल्लुक है किस जमात के साथ ताल्लुक है ये कहां का रहने वाला है किसका बेटा है कौन है अगर आज हम ये सारी बातें छोड़ के किताब और सुनते हो जाए तो ये सारा आलमे कुफर मिलकर इन मुठी भर मुसलमानों का भी मुकाबला कर सकते नहीं कर सकते ये हमारी कमजोरी है अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं जो यहां पर आए हैं उनको भी और ये मीडिया के जरिए जहाँ तक भी पैगाम पहुँचे उन सब को ये कहता हूँ कि अल्लाह के लिए कुरान और हदीस को अपना लो इन तमाम बातों को तमाम पार्टियों को तमाम मुआमलात को छोड़ दो अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया में भी कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी आखिरत में भी अल्लाह आलमीन कामयाब करेंगे इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन कौन सी जमात थी उनकी कौन सी जमात उन्होंने बनाई थी एक ही जमात थी एक ही झंडा था प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद वसल्लम की जमात थी और एक झंडे तले सारे जमा थे तो फिर उनका इनकलाब भी आप लोगों ने देखा होगा पढ़ा होगा जिस तरफ भी जाते थे व आलिहि वसल्लम की आवाज को लेकर निकलते थे अल्लाह रबीन उस तरफ से ही कामयाबियों के साथ हम किनार किया करते थे ये उनका ईमान था उनका जज्बा था वो इसलिए निकलते थे इलाए के लिए निकलते थे इसलिए नहीं निकलते थे कि मेरा नाम बड़ा होगा मेरी पार्टी बड़ी होगी मेरा जमात बड़ा होगा आज ऐसे भी हैं जो कहते हैं इश्तेहार पे नाम छोटा है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा ये दुख से बातें कहनी पड़ रही हैं ऐसे भी हमारे यहां मौजूद हैं इश्तहार पे नाम छोटा है तो नहीं जाऊंगा तो हमारे यहाँ ऐसे भी थे अल्लाह आलमीन उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नादल फरमाए हमारे ये गुजरा वाला के ही फजीलत शेखुल शेख हदीस हाफिज मन्नान नूरपुरी साहब तआला एक जगह पे दर्ज देने के लिए गए वहां पे जाके देखा इश्तिहार लगा हुआ है जिस तरह हमारे यहाँ आम रूटीन है जी वो ये फलां अलामा फ़हामा फ़लॉँ खतीब इस तरह का खतीब इस तरह का खतीब इन तरह तरह के अलका के साथ नमाजा जाता है शेख बैठे इश्ति देखा इश्तिहार देखने के बाद नमाज पढ़ी नमाज अदा करके वहाँ से उठ के जाने लगे इंसामिया ने कहा शेख आपका दरस है आप दरस दें आपसे हमने वक्त लिया टाइम लिया आप दरस दें कहने लगे कि जिसका नाम है उसको बुलाओ मेरा नाम तो सिर्फ़ अब्दुल अब्दुलमान है बस कि जितने बाकी अलकाब हैं जो आपने बड़े बड़े अलबाज से नवाजा है ये मैं नहीं हूँ मेरा नाम सिर्फ़ अब्दुल अब्दुलमनान है बस इसके अलावा बाकी जितने भी अलकाब हैं ये मेरे नहीं हैं तो जो इन अलकाब के लायक है उसको बुलाओ वो आके दरस दे मैं दरस नहीं दूंगा ऐसे भी हमारे जमात के अकाबरीन थे तो क्या अल्लाह रब्बल-आलमीन ने उनको इज़्ज़तें अता नहीं की थी क्या रब्बल-आलमीन उन पर राज़ी नहीं था अल्लाह रब्बल-आलमीन ने उनको इतनी इज्जतें अता की कितने साल बैठ कर प्यारे पैगम्बर सल्हस का फरमान पढ़ाते रहेब्लामी तो ने बहुत इज़्ज़्ज्ज्ज्ज्जतों के साथ नवाला था ये छोड़ो अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरान सुनाओ प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्लल्लाहु सल वही वसल्लम का फरमान सुनाओ अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता करेगा आखरत में भी अल्लाह रब्बुल रबीन इज्जत अता करेगा हमारी बात कहाँ पहुंची थी इतें भुल गए हैं तो बहर जाके की करना है हाँ मतलब जी कि पहुंची सी दसो हाँ बारा किनू चेता है ये मतलब है थोड़ी जी गल इधर नई है तो सू भुल गई है तो जे इतों उठ के तुर के रोटी खा गए तो फिर ये तो कोई सहनी पता लगनी यतलू के प्यारे पैगम्बर इन पर क्या करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत को अल्लाह की निशानियों की इन पर तिलावत करते हैं कि ये वो मालिक है जिसकी इतनी इतनी, इतनी बड़ी निशानियां हैं अगर कोई इसके मुकाबला में जिनको ला के खड़ा करते हो ये तो आपने लात मनात उज्जा हुबल नामी जो बुत बनाए रखे हैं इनको भी देखो उस जात को भी देखो क्या इसकी निशानियाँ और इनकी निशानियाँ बराबर हैं कभी भी बराबर हो सकती नहीं हो सकती फिर आगे चलिए फिर अल्लाह आलमीन फरमाते हैं व आयाम और प्यारे पैगम्बर वसल्लम इनको क्या करते हैं पाक करते हैं पाक करते हैं हर किस्म की बीमारी से पाक करते हैं हर किस्म की बिद से पाक करते हैं बेबादत बे शरकी के प्यारे पैगम्बर इनको शिरक से पाक करते हैं बुतों की पूजा से पाक करते हैं गुनाह करते हैं प्यारे पैगम्बर सल्लाम इनको गुनाहों से भी पाक करते हैं गुनाहों की तरफ तरगीब गुनाहों से बचने के लिए तरगीब दिलाते हैं नेकी की तरगीब दिलाते हैं अच्छे अमाल करने की तरफ तरगीब दिलाते हैं ऐसी तरबियत करते हैं प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्हसम अगर किसी से गुना सरजद हो जाता है कोई गुनाह कर बैठता है तो वो फौरी तौर पर दरबार रिसालत में आता है आकर के कहता है

तो मैं चाहता हूं कि मुझे दुनिया में ही पाक कर दिया जाए दुनिया में ही मुझे गुनाहों से पाक कर दिया जाए दुनिया में मेरी सजा मुझे दे दी जाए क्योंकि जो आखरत की सजा है वो इससे बहुत बड़ी सजा है तो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसुल्लाम जानते थे कि ये मेरा सहाबी है ये नेक सहाबी है अच्छा सहाबी है इंसान होने के नाते उससे गलती सरज़द हुई माफ कर देते कोई मुआमला नहीं था लेकिन जब हद को نافذ कर दिया जब हद का ऐलान कर दिया कि इस गुनाह पे ये हद जारी की जाएगी ये हद हद लगेगी तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि गड़ा खोदा जाए गड़ा खोदकर उनको उसमें खड़ा किया गया खड़ा करके उनको पत्थर मार मार के वहां पे खत्म कर दिया गया रजम कर दिया गया क्योंकि गुना ही ऐसा था जिस पर सजा क्या थी रजम की सजा थी पत्थर मार मार कर रजम कर दिया गया कितनी तकलीफ हुई होगी कितनी अजियत बर्दाश्त की होगी पत्थर पड़े होंगे क्या कैफियत होगी सिर्फ एक ही जज्बा था के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको क्या करते हैं गुनाहों से पाक करते हैं अगर गुनाह हो जाता है इतनी तड़प दिल में लिए फिरते हैं कि कोई पता नहीं कब जान निकल जाए कोई पता नहीं कब दुनिया से चले जाएं, एक मिनट की भी खबर नहीं फौरी रसुल्लासलम ला की तरफ रुजू करते हैं भागते हैं तो ज़रा आइए अपने मुआरे को भी जरा देखिए हमारा भी तो मुआरा वही है हम भी तो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं हम भी तो मुसलमान बनते हैं अपने नाम के साथ हाजी भी लिखवाते हैं अपने आप को नमाजी भी कहलवाते हैं क्या हमारा ईमान भी उसी तरह का है जिस तरह सहाबा का ईमान था क्या हमारा मुहामला भी उसी तरह है जिस तरह सहाबा का महामला था क्या हम गुनाह को गुनाह समझते हैं क्या हमें गुनाह पर कद, कभी नदामत हुई है जब हम गुनाह करते हैं कभी हमने सोचा है कि दुनिया का मामला दुनिया के साथ आखरत का मामला बहुत सख्त है दुनिया में ही अपने मामलात को क्लियर कर लिया जाए कभी हमने यह ख्याल किया है वही जकी उनको पाक करते हैं सीरत नबी सल वसल्लम का जलसा सुनने के लिए आने वालों ये बात आज इस नबी का पेगाम लेके जाना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सिर्फ सुनने के लिए ही है क्यों जी सिर्फ सुनने के लिए ही है बोल दे नहीं जे अगला का मौख है ना ता नहीं अलैहि वालैहि वसल्लम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए भी है कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम को जिस तरह नबी सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी बसर की है जिस तरह आपने अपनी जिंदगी गुजारी है हम भी अपना शबो रोज़ बिल्कुल उसी तरह गुजारना शुरू कर दें सीरत भी प्यारे पैगंबर जैसी सूरत भी सूरत भी बोल दे नहीं जे ये गल इत करके फिर गांव जाना है सूरत भी प्यारे अलैहि वालैहि वसल्लम जैसी सीरत तो सुनते हैं इश्क़ का मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन जब सूरत की बारी आती है फिर वो हमें अंग्रेज़ की अच्छी लगती है प्यारे पैगंबर की अच्छी लगती नबी सल वसल्लम दुनिया में अगर सबसे ज्यादा حسین है तो कौन है बोलो यार इत्ते भी नहीं जे बोलना दुनिया में अगर सबसे ज्यादा حسین है तो कौन है हले भी आवाज नहीं आई मेरी सारे ना बोती है मेरी अकेले दी बोती तू इने बड़ता नहीं आण दई स्पीकर तो बगैर भी मेरी बोती है तजुर्बा कर लो बंद करके देख लो दुनिया में अगर सबसे ज्यादा खूबसूरत सूरत है तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम है अगर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सूरत अच्छी है तो हमें प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जैसी सूरत बनानी चाहिए बनानी चाहिए कि नहीं चाहिए किड़ा किड़ा बनाएगा इत्ते गल करो ना होन उन कुतरों मुतरों होन करिए आज अल्लाह की रजा के लिए हकीकत बात है जिंदगी का कोई पता नहीं कब जान निकल जाए यहाँ से उठ के बाहर भी जाना है कि नहीं जाना कोई इलम नहीं रखता कोई नहीं जानता अगर जान निकल जाए प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्हसम मदीना शहर है मदीने में बैठे हैं एक काफिला आता है ग्रोह आता है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा फेर लिया दुनिया है अपना चेहरा फेर लिया सहाबा परेशान हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास बड़े-बड़े गुनाहगार आते रहे ज़ानी आए शराबी आए चोर आए आपने कभी चेहरा नहीं फेरा आज वजह क्या है आपने चेहरा क्यों फेरा तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व फरमाते हैं कि आज मेरे पास वो लोग आए हैं कि जिन्होंने अल्लाह की तखलीक को तब्दील कर दिया है अल्लाह की तखलीक क्या थी क्या उन्होंने अपने कान काटे हुए थे नाक काटा हुआ था होंठ काटे हुए थे ये अल्लाह की तखलीक को उन्होंने इनको नहीं तब्दील किया था बल्कि वो सारे के सारे अपनी दाढ़ी को मुंडवाने वाले थे यहाँ पर एक लम्हा है क्या प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद दुनिया में है दुनिया में रहते हुए प्यारे पैगम्बर वसल्लम अपना चेहरा फेर रहे हैं अगर कल क्यामत वाले दिन आपने चेहरा फेर लिया तो किधर जाओगे अगर कल क्यामत वाले दिन मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया ये प्यारे पैगम्बर वसल्लम का फरमान है कि बंदा जिस हाल में फौत होता है उसी हाल में ही उठाया जाएगा उसी हाल में ही उठाया जाएगा तो कल अगर प्यारे पैगंबर सलाह वसल्लम ने जो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खुलवाने वाले होंगे जो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में सिफारिश करने वाले होंगे जो सबसे पहले अपनी कबर से उठाए जाएंगे अगर उन्होंने वहां पे चेहरा फेर लिया तो किधर जाओगे लम्हा फिक्रिया है दुनिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी मौका दिया है अपनी इस्लाह करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी मौका दिया है अपने आप को संवारने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी मौका दिया है जवान है तब भी बूढ़ा है तब भी बच्चा है तब भी अभी मौका है क्या मौत आ जाएगी दोबारा मौका मिलेगा किसी सूरत में नहीं मिलेगा आज लम्हा फिक्रिया है शैतान शैतान है शैतान ने कसम खाई थी शैतान ने कहा था शक्लों को तब्दील करवाऊंगा मैं तेरी तखलीक को तब्दील करवाऊंगा तो जो ये काम करता है वो रहमान का नहीं बल्कि शैतान का मुतबे बनता है तो जो शैतान का मुतबे बनेगा शैतान का पैरोकार बनेगा जो शैतान को अपना रह पर अपना रहनुमा तस्लीम करेगा वो प्यारे पैगंबर सल्ला व आलही वसलम की शिफात हासिल कर सकता नहीं हासिल कर सकता नौजवान भाइयों से भी गुज़ारिश है अपने बुज़ुर्गों से भी गुज़ारिश है कि जो प्यारे पैगम्बर की सुन्नत के मुताबिक प्यारे पैगम्बर की सीरत के मुताबिक जिन्होंने अपनी सूरत नहीं बनाई या सीरत नहीं बनाई वो अपनी सूरत को भी बनाएं और सीरत को भी बनाएं, वहीजी है नबी अलैहि वसल्लम क्या करते हैं गुनाहों से पाक करते हैं नाराय तकबीर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर हजरत मौलाना कारी और रहमान साहब शेखूपुरी शेख आ गए ने तो मेरा ख्याल है मेरी छुट्टी क्यों जी छोड़ दी है जी लगदा ऐसा तू ही तो नहीं थक गए आ थक गए ने आने ने बस करो हां जी बस करिए या करिएगे जी वयुज़्क्कीह प्यारे पैगम्बर सल्ला वसलम क्या करते हैं गुनाहों से पाक करते थोड़ा जरा रह गया फिर मुख चला इन शक्की वह किताब और प्यारे पैगम्बर सल्ला वल् क्या करते हैं अल्लाह रबालमीन के क़ुरान को सिखलाते हैं किस को सिखलाते हैं कुरान को सिखलाते हैं कुरान को पढ़ाते हैं कुरान की तालीम देते हैं सिखाने वाले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं कुरान पढ़ाने वाले प्यारे पैगंबर जनाब आलिहि वसल्लम हैं कुरान की तिलावत करते हैं क़ुरान सिखाते हैं पढ़ाते हैं सब मजमाइन कुरान को पढ़ते हैं क़ुरान सीखते हैं सिखाने वाला भी सबसे आला है सीखने वाला भी सबसे आला है कुरान पढ़ने वाला भी सबसे आला है कुरान पढ़ाने वाला भी सबसे आला है आइए जरा कुरान के साथ लगाओ देखिए कुरान के साथ मुहबत देखिए प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसोल्लाम तहजद की नमाज अदा करते हैं तहजद की नमाज में खड़े होते हैं सूरतबरा पूरी तिलावत करते हैं सूरा आलिमरान पूरी तिलावत करते हैं ूरा निसाब पूरी तिलावत करते हैं सूरा मायदा पूरी तिलावत करते हैं ये प्यारे पैगम्बर सल अल्लाह कुरान की तिलावत कर रहे हैं तकरीबन ये साढ़े छे सौ बारे बनते ये प्यारे पैगम्बर सल अल्लाह वालम कितनी रक्तों में कितनी रक्तों में एक रक्तों में हमारे यहाँ क्या है अगर इमाम साहब दो मिनट जमात ऊपर कर देना तो बबे होद वाले जाते हैं के मोल भी तेनों नहीं पता साढ़े गोडे थक गए ने साढ़े को हिलया नहीं जाता तो तू एडिया एडिया लम्बी सन किरातं कराया शुरू कर दतियां प्यारे पैगंबर सल वाली, वाली वसलम फजर की नमाज में साठ से लेकर सौ आयात तक कुरान की तिलावत किया करते थे पढ़ा करते थे तो साढ़े को दस ऐता सुनिया औखिया हुई आओ,

पूरे कुरान की तिलावत सिर्फ तहजुद की नमाज में किया करते थे पूरे कुरान की तिलावत आज मेरी महफिल में हुफाज भी बैठे हैं मेरी महफिल में मेंल्मा भी बैठे हैं सबसे पहले मैं अपने आप को ये मुखातब करके सवाल करता हूँ सबसे पहले मैं अपने आप को पूछता हूँ बुजुर्ग भी बैठे हैं मुबारक में कितने कितने कुरान पढ़ने वाले वो भी बैठे हैं जरा मुझे ये बतलाएं कि आज कल हमारी क्या रूटीन है फाज हैं, पूछे बैठे हैं कुरान की कितनी तिलावत करते हैं एक पारा भी पढ़ना गवारा नहीं करते एक पारा सिर्फ जिसमें मैं खुद शामिल बाबा जी आंदे बारिया पे ने, ने हाथ ही को नहीं लादा पढ़ दे को नहीं इन्ना लिल्लाही इन्ना लीला कितना अफसोस का मुकाम है साहबा इक्राम रिदवान मजमा व ईदा तुलत ईमाना जब कुरान की तलावत की जाती जब कुरान पढ़ा जाता ज़ादतुम ईमाना उनके ईमान बढ़ जाया करते थे ईमान मजीद ईमान में इजाफा हो जाया करता था हमारी हालत क्या है हमें कुरान पढ़ने में कुरान सुनने में शुरू क्यों नहीं आता वजह क्या है सिर्फ एक ही वजह है कि हम कुरान को जानते नहीं हैं सिर्फ एक वजह और कोई वजह नहीं है कुरान को जानते नहीं हैं कितने भाई जिन्होंने कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ा पढ़ाए सा महफल च किन्ने तो कोई भी नहीं लभना तो कई ऐसे होने ने जिन्हें बेचारे नादरा भी चाह पढ़े होना तो फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं अफसोस है इस मुसलमानी पर कि हमारे घरों में कुरान की तिलावत मफकूद हो चुकी हमारी दुकानों पे मफकूद हो चुकी हमारी मसाजिद में मफकूद हो चुकी प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्लाम भाई ताबा प्यारे पैगम्बर सल्ला वसलम कुरान सिखलाया करते कुरान की तालीम दिया करते सहाबा तहजद के वक़्त उठकर कुरान पढ़ा करते सईदना उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे हैं कुरान पढ़ रहे हैं तहज्जुद का वक्त है कुरान की तिलावत जारी है सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं कहते हैं जब मैं कुरान की तिलावत कर रहा था मैंने अपने पास अपने घोड़े को बांधा हुआ था तो जब मैं पढ़ रहा था कुरान तो मेरे घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया उछलना शुरू कर दिया मैंने कुरान की तिलावत करने से टहर गया क्योंकि मेरा बच्चा साथ सोया हुआ था मैंने कहा यह ना हो कि मेरा घोड़ा मेरे बच्चे को रौन डाले फिर जब घोड़ा आराम से खड़ा हो गया फिर मैंने कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी फिर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया फिर वही कैफियत बनी फिर तीसरी बार कुरान पढ़ा फिर वही कैफियत बनी मैंने आसमान की तरफ देखा आसमान से कुछ रोशनियाँ नीचे आ रही थीं तो उसीैैद रजी अल्लाह बयान करते हैं मैंने ये सारा किस्सा प्यारे पैगम्बर सल्ला वसलम को जाके बयान किया बतलाया तो नबी सल्हसम ने फरमाया उसे रजील्ला जो रोशनियाँ आ रही थी वो अल्लाह रबीन की रहमत के फरिश्ते थे अगर तो क़ुरान पढ़ता रहता हती के सुबह हो जाती तो यहाँ के लोग भी उन फरिश्तों को देख लेते हैं रहमत के फरिश्ते नादल कहाँ पे होते हैं यहाँ कुरान की तिलावत की जाए कुरान पढ़ा जाए आज हर दूसरा बंदा कहता है मेरे घर में असेब है मुझ पे जादू हुआ मेरा कारोबार बंद है मेरे साथ ये महामला वो महामला जाओ नुस्ख़िया कीमिया बतला के जाता हूँ सूरतलबार की तिलावत करना शुरू कर दो अल्लाह आलमीन इन तमाम मुसीबतों को निकाल देंगे जिस घर में सूरत उल्बारा पढ़ी जाती है सूरत उल्बाक की तिलावत की जाती है वहाँ से अल्लाह रबीन इन तमाम बीमारियों को रफा दफा कर देते हैं हम कुरआन को पढ़ते नहीं बल्कि हम कहते हैं मुआवजा दे के पढ़ा लो सा को पढ़िया नहीं जाता असी गांू सद के पढ़ा लो तो साढ़िया बीमारियाँ रफा दफा हो जाए उ पैसे दे लेने आप पढ़ना नहीं पढ़ना फिर तो फिर जब आप नहीं पढ़ना तो रहमत कितों आनिया ने वही किताबा प्यारे पैगम्बर सल्ला कर्न सिखलाया करते थे सहाबा को सिखलाया सहाबा ने पढ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुसल्ला इमामत पे खड़े होते खड़े होकर कुरान की तिलावत करते कुरान की तिलावत की कैफियत ये हुआ करती थी आप सल्लास की छाती से इस तरह आवाजें आती रोने की अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाने की कि जिस तरह एक हंडिया उबल रही होती है उसमें से आवाजें आती हैं इस तरह प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते हुए गिड़गिड़ाया करते थे रोया करते थे साहबा इक्राम की भी यही कैफियत हुआ करती थी वजह क्या थी कुरान को समझने वाले थे कुरान को पढ़ने वाले थे कुरान को सीखने वाले थे सिखाने वाले थे आज अगर किसी को कहा जाए ना हम तर्जमा क्लास पढ़ाना चाहते हैं तो हमारी तर्जमा क्लास में आधे वो जी टाइम ही नहीं लगता बड़ी कोशिश करी दी है पर टाइम नहीं लगता क्यों जी ये जवाब होंगे दसो अले वा सारा खिताब सुनना है। ये तो मैं बस ना निकी खती, जी खतीबड़ी जी छोटी जी खिताब कर क्यों जी बाजगी बनना हकीकत बात है अल्लाह रबीन के कुरान के साथ दिल लगाए कुरान पढ़ें कुरान की तिलावत करें सईदना बिन रजी अल्लाह से दुआ किया करते थे मैं तुझसे दुआ करता हूँ मेरी जिंदगी में कोई ऐसी ना हो कि जिसका आगाज मैं कुरान की तिलावत से करूँ ये दुआ किया करते थे आज के नौजवानों का आगाज़ कहाँ से होता है वट्सअप फेसबुक नैट योजना चीज़ों तो पर कुरान के नेे जाते नहीं यम है फिक्रिया है कुरान की तिलावत खुद करें कुरान खुद पढ़ें अपने बच्चों को कुरान सिखलाएं बच्चों को कुरान पढ़ाएं क़ुरान का तर्जमा खुद भी पढ़ें अपने बच्चों को भी पढ़ाएं मैं कारी खलील साहब अगे भी गुजारिश कराँगा ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇhtਿਮਾਮ ਕਰੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਹਾਂਜੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਲਾਓ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਫੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਦੀ ਕਾਫੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਸੱਲਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇ علاوہ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ को पढ़ें कुरान को सीखें कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें फिर उससे आगे वाली बात वा महमल किताब आखिरी बात करके बात को ख़त्म करता हूँ वालिकमत प्यारे पैगम्बर सल्हस हमें हिक्मत सिखलाने के लिए आए हमत दनाई खैर अल्लाह रबीन फरमाते हैं फकदिया जिसको हिकमत दे दी गई उसको बहुत ज्यादा खैर दे दी गई शेखुलरान रहमतुल्ला गल याद आ गई सुना दया जी शेखुल कुरान रहमतुल्ला फरमान लगे साड़ी मसीत का पता की हाल है जे कोई बेचारा मसीतें नवाज पढ़न आ ही गया ना गलती दो चार बाबे बैठे होंगे ने बह के ज्यों घूरन लगते ने इस्लाम फेरे ज्यों घूरन लगते ने इस्लाम फेरे ਚਰਾ ਸਲਾਮ ਫੇਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪੈਂਟ ਨੀਵੀਂ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸੋਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਵਈ ਡੇੜੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸ਼ੈਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ আলাইਹ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇਓ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿਓ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਸਾਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਮਸੀਤੇ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਐਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸੀਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਛੜਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸੀਤੇ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਵੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸੁਨਾਉਲਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਅਗਰ ਡਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੀ ਮਸੀਤ ਐ ਮਸੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਏ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਖਲ ਕੁਰਾਨ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਆਲਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਮਸੀਤੇ ਆਉਣਗੇ ਬਹਿਣਗੇ ਸੁਣਨਗੇ ਖਲੋਣਗੇ

दावत का काम करना चाहते हो सबसे पहले हिकमत को अपनाओ हिकमत को अपनाओगे हिकमत के साथ दावत का काम करोगे अल्लाह रब्बुल रबालमीन इज़्ज़तें भी अता करेगा अल्लाह रबालमीन बरकतें भी अता करेगा दनाई मामला फहमी पहले करीब करो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक करो पहले ही फतवे नहीं लगाओ फलाँ काफिर है फलाँ मुशरक है उसकी नमाज नहीं होती वो ये है वो फलाँ है प्यार और मोहब्बत वाला मामला करो लोगों को करीब करने की कोशिश करो लोगों को दूर भगाने की कोशिश ना करो प्यारे पैगम्बर वसल्लम हमें यह सिखलाने के लिए आए थे लेकिन हमने प्यारे पैगम्बर वसल्लम की तमाम तालीमात को बुला दिया और आखिर में नीचे आखिर में रिजल्ट क्या निकला वही रिजल्ट जो पहले था आज भी वही रिजल्ट है इन कानूम कबल रबीन फरमाते हैं इससे पहले तुम वाज गुमरा में थे अभी के आने से पहले आपकी तालीमत से पहले आप वाज गुमरा में थे तो आज भी हम वाज गाही में हैं ना हम अल्लाह की आयात अल्लाह की निशानियों पर गौर विक्र करते हैं ना कुरान की तिलावत करते हैं ना अपने गुनाहों का तजकिया करते हैं अपने गुनाहों की मुआफ़ी नहीं मांगते गुनाह को गुनाह नहीं समझते कुरान की तिलावत हम नहीं करते और हमत से तो हम बहुत ज़्यादा दूर हैं इन तमाम चीज़ों का आज भी हमें फुकदान है अगर आज भी चाहते हो वही बाहर आए वही साहबा कलाम रिजवान मजमाइन उन जैसा मुशरा बने आज भी इन तमाम बातों पर अमल करना होगा इन तमाम बातों को सामने लाना होगा इन बातों को सामने रखते हुए दावत दीन का काम करना होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी इज़्ज़तें देंगे आखरत में भी इज़्ज़तों के साथ नवाजेंगे वमा अलैना मुबीन माशाल्लाह ये थे मोहतरम जनाब हजरत मौलाना हफाज अब्दुल्ला वहीद मदनी साहब